Ladies and gentlemen, we will now commence this session. The title of this session is Tharparkar, Desert Woes. The moderator for the session is Sadhika Salahuddin. Ms. Sadhika Salahuddin is recognized as one of the leading development professionals from the non-government sector in Sindh. As the founder and executive director of Indus Resource Center, she has made a substantial contribution to the cause of education for girls in rural Sindh. Ms. Salahuddin is serving on several government appointed boards and has served on various prestigious governing boards of civil society organizations. The session is now yours, ma'am. Thank you very much. जैसे आपको मालूम है आज मौजू है थरपारकर के बारे में, क्योंकि थरपारकर मुस्तकिल दो तीन साल से हम लोग देख रहे हैं कि खबरों के अंदर है और खबरों में बड़े दुखों के साथ खबरों के अंदर है. कभी मोरों की कहानियां होती हैं कि कितने मोर मर गए, कभी माल मवेशियों की कहानियां होती हैं और फिर उसके बाद मासूम बच्चों की कहानियां होती हैं और फिर उसमें हमें ये भी सब नज़र आता है कि उसके अंदर एक ब्लेम गेम भी होता है और कुछ इल्ज़ाम तराशी इधर से उधर और सियासतदानों के बयानात अपनी जगह होते हैं जो कहते हैं कि ओवर इसको सेंसेशनलाइज किया जा रहा है पूरी कहानी को, अनड्यू क्रिटिसिज्म हो रहा है वगैरह वगैरह. और कहीं हमें लगता है कि जो दूसरी जानिब के लोग हैं वो भी कुछ तहकीक के बगैर बहुत सारी बातें कहते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो शायद मंतक भी उनको अपील नहीं करती है और वो भी कही जाती हैं, नारेबाजी की भी बात होती है. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सोचा गया कि बजाय इसके कि हम इन दो एक्सट्रीम्स के ऊपर रहें, हम उन लोगों से बातें सुनें कि जिन्होंने वहाँ पे काम किया है, जो कम्युनिटीज़ को जानते हैं, जो लोगों के साथ जिनका एक राबता है और आज से राबता नहीं है बल्कि ये राबता 20-30 साल से. तो आज आपको जितने भी हमारे पैनलिस्ट यहाँ नज़र आएंगे, जिनका मैं अभी थोड़ी देर में तारुफ़ कराऊँगी, ये सब डिवेलपमेंट प्रोफेशनल्स हैं, एक ही प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं. अपने अपनी नज़र से इन्होंने देखा है थर को और थर के बारे में इनका जो इल्म है वो आपके साथ शेयर करेंगे. आप उससे इत्तेफाक भी कर सकते हैं, उस पर एतराज़ भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो इनकी फाइंडिंग्स हैं, जो इनकी समझ है, वो आपके साथ शेयर करेंगे. लेकिन बेशतर इसके कि मैं साथियों का तारुफ़ कराऊँ, मैं थोड़ा सा थर का तारुफ़ कराना चाहती हूँ. यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और जो उनका शौक़ है उस इलाके के बारे में, ज़ाहिर है वही उनको यहाँ लेके आया है. लेकिन अभी पहले ही गुफ्तगू हो रही थी दो तीन लोगों से, तो उन्होंने ये कहा कि हमें थर देखने का बहुत शौक़ है. तो मैं नहीं समझती हूँ कि सब लोगों ने थर देखा हुआ है. थरपारकर जो है ये बिल्कुल साउथ ईस्ट एक्सट्रीम के ऊपर सिंध के अंदर है और ये जहाँ हम यहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से सिर्फ 300 किलोमीटर है. बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 300 किलोमीटर है और अब सड़कें भी बहुत अच्छी हैं, जाना आना भी कोई इतना दुश्वार नहीं है, रास्ते भी बहुत अच्छे बन गए हैं. तो ये आप देखें, ये थरपारकर है. थरपारकर जो है ये इसका एरिया कहीं 22,000 स्क्वायर किलोमीटर लिखा हुआ है, कहीं 19,000 लिखा है, कहीं 20,000 लिखा है, लेकिन बहरहाल ये एक सिंध का बहुत बड़ा, सिंध के 23 या 26 अज़ला में ये अगर 14% जो एरिया है वो थरपारकर लेता है, तो इसका मतलब है सिंध में ये इसका एक बहुत अहम मकाम है. एरिया के हिसाब से आबादी कम है, 1.3 भी है, 1.4 भी है, लेकिन पाकिस्तान में तो आपको मालूम है किसी को आबादी का इल्म ना इल्म है ना एहसास है. 1998 के बाद कभी सेंसस हुआ नहीं है. तो ये जो हमारा इलाका है ये अपनी खूबसूरती के लिए भी बहुत मशहूर है. इसके जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और इसके जो इसकी बारिश है और वो भी लोगों को बहुत खींचती है अपनी तरफ. तो अगर बेसिक फैक्ट्स इसके देखें कि जो मेरा काम है मैं आपसे शेयर करूं, तो वो यहाँ पे आप देखें कि पाकिस्तान अब काफ़ी अर्बन हो चुका और सिंध ज़्यादा ही अर्बन है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस. बट हेयर यू कैन सी दैट 90% पीपल आर लिविंग इन 2000 विलेजेस, विच मीन्स विलेजेस आर वेरी स्मॉल, बहुत हैमलेट से बने हुए हैं, छोटे छोटे हैं. और थर को हम कहते हैं कि थर इज़ ओनली 4.4% अर्बन. फिर HDI जो इसके ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स हैं उसमें थर बहुत लो है.
लिटरेसी रेट 10 प्लस कहा जाता है 18.3 है सिर्फ, जो फीमेल लिटरेसी है वो 6.91 है, जो जाहिर है बहुत ही कम है। जो नॉन फंक्शनल स्कूल्स हैं, ये यहाँ ये मेरा ख्याल है बहुत अहम बात है कि अगर हम नॉन फंक्शनल स्कूल्स को देखें तो अगर पूरे सिंध में 5,700 हैं तो उसमें से तकरीबन 1,000 सिर्फ थर के अंदर मौजूद हैं। थर में एक ऐसा भी गांव है जो आप लोगों ने अखबारों में जिसकी कहानियाँ पढ़ी होंगी, सच्ची या झूठी, लेकिन बहरहाल वो उसमें 54 स्कूल हैं एक गाँव के अंदर। तो अगर हम स्कूलों की तादाद के हिसाब से देखें तो अजीब सी कहानियाँ मिलती, लेकिन अगर आप उसका रिजल्ट देखें कि लिटरेसी कितनी है तो वो बहुत कम है। फिर अगर हम क्योंकि इस वक्त जो इशू हो रहा है वो ज़्यादा बच्चों की अमवात का ही हो रहा है, तो अगर आप उसके ऊपर देखें तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो है वो 82 कोट की जाती है, अंडर 5 मॉर्टेलिटी 104 है, अंडर वेट बेबीज़ जो हैं वो 42% होते हैं, और कहा यह जाता है कि सिर्फ 13.6% डिलीवरीज ऐसी हैं कि जो ट्रेंड दाइयों के या ट्रेंड जो वर्कर्स हैं उनके हाथों से होती हैं। पानी का इशू बहुत सीरियस है, वाटर स्केयरसिटी, इस पर हमारे माहिरीन बात करेंगे, ये एक बुनियादी इशू है थर के अंदर। और 30 साल के अंदर 11 खुश्क साली के ज़माने आ चुके हैं, 70% लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं है साफ़ सुथरा, और फिर जो पानी मैसर है वो भी ब्रैकिश है और सेलाइन है। लाइव स्टॉक पे गुजारा है ज़्यादा, एग्रीकल्चर के बाद लाइव स्टॉक की अहम चीज़ है। इंसानों की तादाद तकरीबन 1.3 है लेकिन जानवरों की तादाद 6 मिलियन के करीब है। और एक और बात भी है कि कराची की जो ज़रूरियात हैं मवेशियों की, उसका 45% जो है वो थर से आता है। आप सोच लें अगर थर के जानवर मरेंगे तो यहाँ बकरीद पे जो जानवरों की परेड होती है, फैशन परेड, उसका क्या होगा। तो हमारा एक बहुत ये भी एक रिश्ता थर से है, फिर थर के क्राफ्ट्स हैं, फिर थर की आर्कियोलॉजी है। कल यहाँ पे इनॉग्रेशन में इस पे बड़ी बात हो रही थी कि जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं वो कितनी उनमें इनटॉलरेंस आ गई है और क्या है। थर इस मामले में हम बाकी इलाकों से बहुत आगे है कि वहाँ एक हारमनी है, एक पीस है। और अगर आप देखें तो उसमें जो जैन मत के ज़माने के भी मंदिर नज़र आएंगे और हिंदू मत के हिंदुओं के भी मंदिर हैं और उसमें मुसलमानों की भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। ये अगर आप देखें तो 3 तस्वीरें हमने इसी तरह लगाई हैं। 20 से ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऐसी हैं कि जिनको लोग बहुत शौक से देखते हैं। तो अब इसमें जो सवाल पैदा होता है वो यही है कि हम ये समझना चाहते हैं कि थर की जो दरअसल सूरत हाल है वो है क्या, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो है क्या। मेरे साथ जो यहाँ साथी हमारे मौजूद हैं मैं उनका तारुफ़ करा देती हूँ। यहाँ पे ये मसूद लोहार साहब हैं। मसूद लोहार साहब एनवायरमेंटलिस्ट हैं, डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं, और ये UNDP का एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है जिसके प्रोग्राम मैनेजर हैं, और ये एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर एक स्मॉल फंडिंग है वो करते हैं और पूरे पाकिस्तान के सिंध को बहुत करीब से देखते हैं और पूरे पाकिस्तान में ये काम करते हैं। फिर इनको बड़े अच्छे अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी इनको मिला है, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर भी मिला है, क्लाइमेट चेंज के माहिर हैं। इनके साथ जो बैठे हुए हैं वो डॉक्टर सोनू खंगरानी है। मेरा ख्याल है यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, थरदीप का नाम सुना होगा। थरदीप में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत सालों तक इन्होंने थरदीप को हेड किया है, इनको तमगा इम्तियाज़ भी मिला है, और इन्होंने हर फील्ड में जो लोगों के साथ काम करना था, सोशल मोबिलाइजेशन, माइक्रो फाइनेंस, लाइव स्टॉक डिवेलपमेंट वगैरह वगैरह हर चीज़ के ऊपर काम किया है। फिर डॉक्टर तनवीर हैं जो आखिर में बैठे हुए हैं, ये हैंड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और ये डॉक्टर तनवीर 20 साल से हैंड्स को देख रहे हैं। हैंड्स इस वक्त शायद सिंध की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हर ज़िले के अंदर इनका ये यहाँ मौजूद है। ये बाय ट्रेनिंग ये मेडिकल डॉक्टर हैं,
लेकिन उसके अलावा इन्होंने पब्लिक हेल्थ के अंदर स्पेशलाइजेशन इनकी है और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है 120 CSOs का, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, उसके चेयरपर्सन हैं। न्यूट्रिशन पे इनका बहुत काम है और गांव देहात में बहुत काम किया है उस पर ये बात करेंगे। मैं शुरू करती हूँ डॉक्टर सोनो से। डॉक्टर सोनो एक ओवरव्यू हमें देंगे, एक हमें एक बैकग्राउंड बताएंगे कि क्योंकि इनका ताल्लुक भी थर से है, इन्होंने काम भी थर में किया है। तो ओवर टू डॉक्टर सोनो। डॉक्टर सोनो, आप थोड़ा सा तारीखी पसे मंजर और कुछ डेमोग्राफी, कुछ ज्योग्राफी इसके बारे में बताइए। शुक्रिया साधका। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी पैदाइश थर में हुई है और मैं वहाँ पर पढ़ने से लेके मजदूरी करने तक भी वहाँ पे काफ़ी उम्र गुजारी है, लेकिन थर को अभी भी समझने की ज़रूरत है और मैं मुस्तकिल समझने के एक प्रोसेस में हूँ कि थर को किस तरह नए तरीके से, क्योंकि थर में जो तब्दीली आ रही है वो इतनी तेज़ी से आ रही है हर जाविये से, जिसको समझना के लिए वहाँ पे बैठना बहुत ज़रूरी है और उन लोगों से साथ हर, क्योंकि थर के जो हिस्से हैं वो इतने एक दूसरे के साथ अलग भी हैं, जुड़े हुए भी हैं, तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं चार चीज़ों पे बात करूँगा मुख्तसरन, जिसमें हम थर की हिस्ट्री या उसकी डेमोग्राफिक जो तब्दीलियाँ आई हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा जो मुझे समझ है, उसके बाद मैं इकनॉमी और सोशल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है और उसके बाद आज किस नतीजे में पहुँचे उसकी भी बात ज़रूर करूँगा। थर पार्कर में एक तो बड़ी आपको जो खबर मिलती है वो डिज़ास्टर या मुश्किल हालात या किसी भी ड्राउट, साइक्लोन, फ्लड, इनके सिलसिले से मिलती है, लेकिन थरपारकर में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दो जंगें लगी हैं 65 की और 71 में, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली हुई है डेमोग्राफिक। कुछ हद तक ज्योग्राफी तब्दीलियाँ भी हुई थी लेकिन वो वापस आ गई, हमारे रिट्रीव हो गई 71 में, लेकिन जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुई हैं वो बहुत बड़ी हद तक असरअंदाज हुई हैं उस थर के पूरे कॉन्टेक्स्ट में, उसके माइंडसेट पे, कल्चर पे, पॉपुलेशन पे, उसकी पूरी पावर स्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। आपको इस वक्त अंदाज़ा होगा कि 65 से पहले वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन 70+ के करीब परसेंटेज में कहलाती थी, जो इस वक्त 45 के करीब परसेंटेज रह गया है, और उसी जगह पर लोग कम नहीं हुए हैं 65 में और 71 में भी, इतने ही लोग नियर बाय डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से या कच्छ से आए हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से कुछ लोग गए, वहाँ से कुछ लोग आए, जो अपना कल्चर लेके आए, अपना सारा लेके आए, जिनके पास यहाँ पे अपनी ज़मीन नहीं थी, अपने खेत नहीं थे, तो वो किसी के खेत पे आबाद हुए, किसी के गांव में आबाद हुए, अपने तरीके से आबाद हुए, उन्होंने पूरा जो थर का ओरिजिनल जो सेटअप था उसमें ज़रूर एक नई चीज़ लाई है, और इस वक्त वो उसका इन्फ्लुएंस आप तीन तहसील छाछरों में बिल्कुल बज़ाहिर नज़र आ सकता है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, नगर पार्कर में भी और कुछ हद तक मिट्टी तहसील में भी आता है। इसका बहुत कम असर हुआ है डिप्लो में, डिप्लो में आउट माइग्रेशन तो ज़रूर हुई है इन दोनों वास के दौरान, लेकिन बहुत थोड़े कम लोग आए हैं कच्छ से। तो ये तो उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। इस वक्त जो पॉपुलेशन है, जिस तरह बताया साधका ने कि 15 लाख के करीब एस्टिमेट किए जा रही है, क्योंकि 98 के बाद कोई सेंसस नहीं हुई है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। थरपारकर में एक और भी हिस्ट्री है कि थरपारकर में जितने लोग पढ़ते गए, लिखते गए, वो वहाँ से शिफ्ट भी होते गए शहरों की तरफ, और उनका सबसे पहला शहर हैदराबाद या उसको जो बैराज एरिया में शहर आते थे, जिसमें उमरकोट था, नवकोट था, या इस तरह के जो शहर थे, वहाँ से शिफ्ट होते गए, चाहे बिजनेस के हवाले से, चाहे नौकरी के हवाले से, चाहे उनको कोई भी कारोबार करना हो, क्योंकि उनके ख्याल में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है थरपारकर में जो होनी चाहिए। पॉलिटिकली थरपारकर पिछले 60 सालों में डिपेंडेंट रहा है बाहर के पॉलिटिशियंस पे। आज भी वहाँ से जो इलेक्टोरेट है उसमें एक MNA, एक MPA थर से नहीं है। तो ये सबसे पहले वहाँ पे अगर किसी ने बिजनेस भी किया तो एजेंसी भी लिया, अगर चाय की भी लिए तो कोई बाहर से आया है, अगर कोई पॉलिटिकल कंसल्टेंसी भी किसी ने की है वहाँ पे, इलेक्ट हुआ है, तो वो भी बाहर से आया है। कुछ हिस्सा जाहिर है थर के लोगों के पास महफूज रहा, लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उनकी, हम इसको कहते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्ड के तौर पे, बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, जिसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, तो उन्होंने भी बड़ा एक अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया या नहीं किया है, उसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है जो सोसाइटी पर है।
तीसरी चीज़ जो मैं इकोनॉमी की बात करते हैं, अभी आपने सुना कि वो लाइफ स्टॉक एज एन मेजर इकोनॉमी, ये बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है 71 बार के बाद। वहाँ पे बाटर ट्रेड था, अब वो कैश में ट्रांसफ़र हुआ, फिर कैश इकोनॉमी वहाँ पे मौजूद आ गई है। हर बंदा कैश को देखता है, अपने काइंड को नहीं देखता कि वो पहले जाके माल के बदले माल ले लेता था। ये बड़ी तब्दीली आई है और उसकी वजह से यहाँ वहाँ पर रेमिटेंस इकोनॉमी का इस वक्त भरमार है। वहाँ पे अब कराची में 40,000 लोग अगर काम करते हैं या शहरों में, तो वो बहुत ज़्यादा हिस्सा अपने फैमिलीज़ को रेमिटेंस का लेके आते हैं। तो कराची जो थर की जो पूरी वाइब्रेंट सोसाइटी है, उसमें बड़ी तेज़ी से ये भी तब्दीली आ रही है कि वहाँ पे बाटर ट्रेड, लाइफ स्टॉक इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बड़ी तब्दीली आ रही है। एक हिस्ट्री में बहुत बड़ा अहम वाक़या वहाँ पर ये भी हुए हैं कि गुज़श्ता 70 सालों में 74 साल वहाँ पर साल ऐसे हैं ईयर्स जिसमें या तो ड्राउट या रहा या ड्राउट जैसी सिचुएशन रही है, जिसमें से 17 साल बिल्कुल कंप्लीट ड्राउट रहा है। तो उन्होंने बड़ी इकोनॉमी को, उसके पॉवर्टी को बिल्कुल यूं समझें कि एक साइकिल में घेर रखा है, उससे बाहर नहीं निकलते। हर दूसरे साल के बाद वही ड्राउट इनको असरअंदाज होता है। 43% ऐसे लोग वहाँ रहते हैं जिनके पास कोई एसेट नहीं है, पर्टिकुलरली वहाँ लैंड जो ज़मीन है वो नहीं है। 57% लोगों के पास है अपनी ज़मीन, चाहे वो 5 एकड़ हो या 18 एकड़ हो या 100 एकड़ हो, लेकिन वहाँ पे कोई फ्यूडल नहीं है। ये थरपारकर की एक वाइब्रेंट सोसाइटी है जिसमें कोई फ्यूडल नहीं है। वहाँ पे माइग्रेशन होती है, नॉर्मली भी माइग्रेशन होती है 12% से 10-12% जो हार्वेस्ट के लिए लोग जाते हैं, जिनके पास कोई अपना असासा नहीं है। और जब मुसीबत आ जाती है, ड्राउट जाइज, तो वो 25-30% लोग माइग्रेट करते हैं विद फैमिली और कुछ इंडिविजुअल। तो वहाँ माइग्रेशन कई किस्म की है, माइग्रेशन यूथ की है, माइग्रेशन लेबर की है, माइग्रेशन फैमिलीज़ की है, माइग्रेशन अर्बन सेंटर्स की तरफ है, पूरी फैमिली शिफ्ट हो जाती है। तो ये माइग्रेशन भी एक किस्म की नहीं है वहाँ पर। और वहाँ पर जो सबसे बड़ी सोशल चेंज आई है पिछले 20-30 सालों में, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर तालीम का रुझान भी थोड़ा सा बढ़ा है, लोगों ने सर्विसेज से बेनिफिट लेना शुरू किया है। वहाँ पे कम्युनिकेशन बेहतर हुई है डेवलपमेंट की वजह से, रोड्स आए हैं, वहाँ पे टेलीफोन की सहूलत हर गांव तक पहुँची है, वहाँ पे किसी हद तक ट्रांसपोर्ट का पूरा निज़ाम बदल गया है। वहाँ पे आपको केकड़े पे अभी जाना नहीं पड़ता, वहाँ पे हर किस्म की ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, हत्ता के हर गाँव में मोटरसाइकिल भी जा रहा है। आजकल लोगों ने स्किल सीख लिया है, मोटरसाइकिल सस्ती हो गई है, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स का तादाद भी बढ़ गया है। लेकिन वहाँ पे पूरा ये जो सोशो इकोनॉमिक कल्चर है वो चेंज होता जा रहा है। इसी चेंज में यकीनन यहाँ पे जो वहाँ पे ओरिजिनल सिस्टम था शादियों का, कि ये शादियाँ ज़ाहिर थोड़ी सी एज में होती थी, थरपारकर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 18 या 15 या 16 साल की लड़की की शादी हो जाए, वो होना शुरू हो गई हैं क्योंकि इस सारी इकोनॉमिक दौड़ में। और एक चीज़ बड़ी अहम है जो मैं लिंक करता हूँ कि वहाँ पे जितना 80 के दहाई के बाद जितना काम हुआ है सिविल सोसाइटीज़ ने किया है, ये आइसोलेटेड प्लेस को जब मेन स्ट्रीम से लिंक किया गया है, जब वहाँ पे लोगों की कम्युनिकेशन हुई है, रेमिटेंसेस गए हैं, यूथ यहाँ पे शहरों में आया है, उसकी वजह से एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है कि लोगों में अवेयरनेस आई है और बड़ी लोगों की जो तादाद है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चेंज हुई हैं, तो बड़ी तादाद सर्विसेज की तरफ भागने लगी है जो पहले नहीं जाती थी। पहले के लोकल फेथ हीलर के पास चले जाते थे, किसी क्विक के पास चले जाते थे, किसी टीचर जो भी स्कूल है वहाँ पे देहात में उसी में बच्चा पढ़ा लिया। अब वो सर्विस जो सेंटर्स हैं उसकी तरफ भागना शुरू हुई और वहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट चीज़ आ जाती है जो अभी आपको नज़र आ रही है। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये आती है कि जो सर्विस सेंटर्स हैं वो उस काबिल नहीं बने कि इस पूरे प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें, उसकी अपग्रेडेशन नहीं हुई, उसमें वो सहूलियात मौजूद नहीं हुई। तो ये पूरा एक डायनामिक है थरपारकर का, बड़ा चेंज हो रहा है और इसको हमने जो नाम दिया है थरपारकर अंडर द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड दैट टू ऑन अ वेरी फास्ट ट्रैक। उस चेंज को मैनेज करने के लिए जो गवर्नेंस चाहिए हमें, उस चेंज को मैनेज करने के लिए जो सहूलत चाहिए, जो सहूलतकार चाहिए, उसका बड़ा फुकदान है। तो मैं स्टॉप करता हूं जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, सवाल हो गए। आपने एक बहुत अच्छा हमें ओवरव्यू दिया है और हर किस्म की तब्दीली की बात की है, डेमोग्राफिक तब्दीली की, सोशियो इकोनॉमिक तब्दीली की और वगैरह वगैरह। लेकिन एक तब्दीली जिसका बहुत जिक्र होता है, वो मैं चाहूँगी कि मसूद उसकी तरफ अगर कुछ इशारा करें और उसकी तफसील बताएं, वो
ये है दरअसल जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, क्योंकि जो हम सुनते रहते हैं वो ये है कि जहाँ बरसात आनी चाहिए थी वहाँ बरसात नहीं आई, वो भी आगे चली गई, जहाँ सर्दी आनी चाहिए थी वो, और उससे भी कुछ सेहत के ऊपर भी असर हैं, कुछ पानी के ऊपर भी असर हैं। पानी का एक इशू बहुत अहम है, तो मसूद आप कुछ पानी के इशू पे और क्लाइमेट चेंज पे अगर रोशनी डालें तो बहुत अच्छी बात। थैंक यू साधका। जो अर्लीस्ट साइंटिफिक स्टडी है इस पूरे रीजन के ऊपर, जिसमें गुजरात इंडिया में और ये साउदर्न सिंध और राजस्थान और थर का इलाका जो है, तो वो है अर्ली 14th सेंचुरी से एक स्टडी की गई है, जिससे पता चलता है कि मुसलसल कहत और ड्राउट थ्रू आउट हिस्ट्री रही है। उसकी पूरी डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन जो करीब तरीन माजी में जो चीज़ हुई है वो 1900 से हुई है, 1900 से लेके आज तक का जो पीरियड है उसमें 47 टाइम्स ड्राउट्स आई हैं, लेकिन उसमें एक ड्राउट जो है वो कहत के या फेमिन के स्केल पे थी, जो 1900 से शुरू हुई, जिसको थरी फोक लोर में छप्पनू कहते हैं। डॉक्टर साहब को पता होगा, तो छप्पनू जो है वो बेसिकली सिनोनिमस बन गया है इस पूरे रीजन में फार जिसको कहते हैं ब्लैक फेमिन, यानी कि काला कहत। उसके अलावा जो रीसेंट जो टाइम्स में जो चीज़ें हुई हैं वो ये पाकिस्तान का ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज जो 2010 में मैनिफेस्ट हुआ, फिर उसके बाद 2011 में जो साउदर्न सिंध में हैवी रेन्स हुई, जिसमें 48 आवर्स कंटिन्यूस हैवी रेन्स हुई, पूरे इसमें थर के भी काफ़ी इलाके शामिल थे, और ये ओवरऑल बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एक पहलू है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ये इस तरह की मैनिफेस्टेशन हुई है। पहली दफ़ा पिशावर में मिनी साइक्लोन आया 2014 में, और ये पूरा रीजन जो है वो क्यों इम्पेक्टेड है वो एक अलग डिस्कशन है, जिसपे बहुत सारी बात हुई है। पहली दफ़ा लास्ट ईयर जो है मानसून हैज़ फर्दर पेनीट्रेटेड इन टू द नॉर्दर्न एरियाज, जो बहुत अनयूजल फिनोमेना है। थर के बारे में जो एक अहम चीज़ है वो ये मैं बता दूं कि आप हैरान हो जाएंगे कि पूरी अरब पीरियड की जो थर्ड से लेके एट और नाइन्थ सेंचुरी एडी के जो पीरियड है उसमें एक पर्टिकुलर लोगों के बारे में तज़करा मिलता है, उसावरा, और उनके बारे में इतनी तारीफ़ें हैं अरब मौरखों ने की हैं कि वो कितना ज़बरदस्त सामान ले आते हैं, क्राफ्ट्समैन हैं और ये सब कुछ, और आपको हैरान होंगे कि वो सारे लोग लोकेटेड थे पारी नगर में। पारी नगर जो था वो एक शहर था जो नगर पारकर के साथ ही था, और यही वो जगह थी जहाँ से महात्मा गांधी के परदादा जो है माइग्रेट करके वहाँ चले गए थे गुजरात। पारी नगर के उन लोगों की खुशहाली का अंदाज़ा आप इस अंदाजे करें कि वहाँ जो झील है जिसको वो कहते हैं सही क्या कहते हैं उसको जो कजला सर के काजल जो है वो इतना, खवातीन आके वहाँ पे सुबह के टाइम पे इतना वो फेस वॉश करती थी तो काजल आके उसमें पड़ जाता, लेकिन ये एक्चुअली मिथ है। बेसिकली ये था कि चूंकि जो नंगर पारकर में जो कारुंजर माउंटेन है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड का अर्लीस्ट रॉक है, इज द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड, तो वो जो पर्टिकुलर जगह है वहाँ पे जो एशिस थे उसके वॉल्केनो के, ये एक हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूँ, तो उसकी वजह से वो नज़र आता था। और दूसरी चीज़ जो आपको नज़र आएगी, क्योंकि मैं पट जाके अब रोड वोड बन गए तो हम जाके वो देख के उस पर करके भी आएँ, ऑब्सीडियन एक पत्थर था जो यहाँ से उसावरा के बारे में बताते हैं अरब मौरख के वहाँ पहुँचता था, और जिसकी वजह से बहुत बड़ी खुशहाली इस एरिया में थी। तो वो आप जाएंगे वहाँ जब पारी नगर के रुइंस पे, तो सारा वो रुइंस आपको उसमें वो नजर आएगा। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसकी डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करें कि डिस्पाइट ऑल दीज ड्राउट्स, ये भी कर रहे हैं कि लोग जाएं और जाके देखें। मैं जो उसमें सॉल्यूशंस की तरफ जाऊंगा उसमें मैं इको टूरिज्म पे ज्यादा वो दूंगा। तो पारी नगर बहरहाल इस वक्त जो है बड़े खतरे में है, क्योंकि वहां पे एक गवर्नमेंट डैम बना रही है और वो बिल्कुल ही उसको शायद डाल देंगे। मैं आपको कहूँगा कि इस पर अवेयरनेस करें कि वो जगह बच जाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, उसकी अगर एक्सकेवेशन करें
अभी भी इस मरहले पे भी अगर आप पारीनगर में जाएं तो वहाँ स्टोन्स की मूर्तियाँ, आपको बड़े बड़े स्टोन्स जिसपे कार्विंग हुई होगी, इवन आपको मार्बल के वाइट स्टोन्स, रेड स्टोन्स भी मिलेंगे जो शायद वो जोधपुर वगैरह से लाते होंगे। और आपको ये भी पता होगा जहाँ पे जो गौरी मंदिर का जो पूरी चीज़ है, तो ये एक ये डायनामिक्स है जो ये शो करती है कि जो कम्युनिटी यहाँ पर रहती थी इस पूरे रीजन में, जिसमें गुजरात का कच्छ इलाका, ठट्टा, बदीन और थरपुरा और इवन चोलिस्तान, फिर आगे चल के राजस्थान के वो इलाके जो जैसलमेर वगैरह के, क्योंकि सिंध में एक मशहूर कहावत है कि सिंध समूह काछो चनू भाटी जैसलमेर, यानी कि भाटी लोग जो हैं वो जैसलमेर उनका वो इलाका है, वो सिंध के उस इन्फ्लुएंस में काउंट होता है। तो वो जो चीज़ थी वो ये थी कि जब 1819 में जलजला आया पूरे इस रीजन में, और जिसका एपी सेंटर जो था वो एक जगह है, मैं गया हूँ उस जगह पे, वो अब तो क्रीक में आ गया है, लेकिन वो उसको सिंदरी जो पोर्ट था उसके करीब था। तो वो उसका इम्पेक्ट इतना बड़ा हुआ कि उसके बाद कंटिन्यूसली फॉर 100 ईयर्स, बल्कि 200 ईयर्स, 1900 में भी ये ड्राउट के साइकिल्स चलते रहे, और फिर लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया। महात्मा गांधी की फैमिली, आप पूरे तंजानिया, जो ईदी अमीन ने फिर उन लोगों को वहाँ से फिर निकलवाने की कोशिश की, जितने भी इंडियंस जो गए हैं वो इस रीजन से 1819 के जलजले और फिर 1836 से ऑनवर्ड्स एक कहत वाली सुरताल के बाद जो है यहाँ से निकले। उसमें जो डायनामिक्स थी वो दो तरह की, जो ट्रेडर्स थे वो माइग्रेट करके गए आउट ऑफ कंट्री, अफ्रीका चले गए, वो अफ्रीका से फिर ईदी अमीन के इस कैंपेन के बाद इंग्लैंड चले गए और यूरोपियन कंट्रीज में चले गए। लेकिन जो लोग मवेशी रखते थे, स्पेशली कैटल्स, क्योंकि कैट आपको पता है तीन चीज़ें जो हैं सबसे पहले मरती हैं, इम्पेक्ट होता है वाइल्ड लाइफ पे या लाइफ स्टॉक पे थर में, पहला होता है डव, जिसको फाख्ता कहते हैं। तो सिंधी में शाहबती बिताई की एक लाइन है कि थर बाबी होती मरा, वो डव छोटी साइज का होता है जो वहाँ पे होता है, और जब ड्राउट के पीरियड में वो बस बैठा होता है उसके ऊपर, ब्रांच के ऊपर, और वहीं से गिर जाता है, बिल्कुल ऐसे मरता है। फिर इस तरह जो जो गाय है, जो कैटल है, वो दूसरे नंबर पे आती है, क्योंकि शायद वाटर शॉर्टेज की वजह से, फॉर्डन होने से, जो फिर भी सरवाइव कर लेती है वो बकरी कर लेती है। बकरी जो है वो रिलेटिवली रेजिलिएंट है इस एनवायरनमेंट में। तो वो जो लोग मवेशी पालते थे वो आउट ऑफ कंट्री नहीं जाते थे, वो थर से या कच्छ से सिंध आते थे, और अभी भी ये कल्चर है। मैं इस दफ़ा स्पेशली हमने पूरा ये जो कारावान उसको बाकायदा डॉक्यूमेंट किया था कि किस तरह जाते हैं। और तो अहम बात आपको बताऊँगा जो हमने रिसेंटली डिस्कवर की है कि जो थरी या कच्ची थरी जो नस्ल है गाय का, मोहनजोदड़ो की जो सील है उसके ऊपर जो आपको गाय नज़र आती है या जो बैल नज़र आता है वो थरी नस्ल का है। और मैं उस तरह के फॉर्म इस तरह रिसेंटली फोटोग्राफ्स भी निकाल के लाया हूँ, और आप हैरान हो जाएंगे कि जस्ट अक्रॉस द कच्छ डेजर्ट इन्होंने रिसेंटली इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर डिस्कवर किया है, ढोलावीरा। ढोलावीरा जो है वो वही है जो इंडस वैली का शहर है, वही स्क्रिप्ट, वही चीज़ है। तो ये समझ में आता है कि इवन मोहनजोदड़ो के लोगों के ऊपर भी जो इन्फ्लुएंस था वो इस रीजन के लोगों का था, या मोहनजोदड़ो से लोग जो है माइग्रेट करके उस तरफ गए हैं, बट देयर इज सम रिलेशनशिप इन दैट आल्सो। आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि एक बात बड़ी गैर जिम्मेदारी से हमारे सहाफ़ी दोस्त करते रहते हैं, कहत और फेमिन, कहत या फेमिन को इस्टेब्लिश या डिटरमाइन करने के इंडिकेटर्स होते हैं, और वो एक अलग चीज़ होती है। ड्राउट, बैड गवर्नेंस, फेल्योर ऑफ अदर थिंग्स, ये एक अलग चीज़ है। जो पहली दफ़ा लास्ट ईयर जब ये हुआ था तो ये कहत फेमिन, और ये बहुत ही गलत एक ट्रेंड था। आई थिंक के जहाँ और लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है वहाँ साफ़ी हजरात को ये रिपोर्ट करने में ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने बड़ी तारीख में जाके और बताया कि थर में क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं और उसकी कितनी अहमियत है। अब हम डॉक्टर तनवीर से बात करते हैं, जो जिस पे आजकल सबसे ज़्यादा
بات ہو رہی ہے وہ بچوں کی اموات کے اوپر بات ہو رہی ہے، خواتین کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے. ڈاکٹر تنویر نے اس سلسلے میں کافی کام کیا ہے، تحقیق بھی کی ہے ہینڈس نے تھر کے علاقے کے اندر جا کے. اب ڈاکٹر صاحب آپ ذرا یہ بتائیے کہ نیوٹریشن کا کیا صورت حال ہے وہاں پہ. اور نیوٹریشن پہ مجھے یاد آیا کہ جب نیوٹریشن کی ایک رپورٹ آئی تھی پاکستان میں تو اچھا خاصا تہلکہ مچا تھا کہ کتنا نیوٹریشن کا بچوں کا برا حال ہے. اور اس میں مجھے یاد ہے یو این کے کوئی صاحب تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک سائلنٹ ایمرجنسی ہے جس کا آپ کو یوں احساس نہیں ہو رہا لیکن جو اندر اندر ایک پوری سوسائٹی کو ختم کر رہی ہے. تو نیوٹریشن ظاہر ہے انفینٹ مورٹیلیٹی اور میٹرنل مورٹیلیٹی اور یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے آپ ذرا کچھ روشنی ڈالیں. تھینک یو ساتھکا. مسعود نے بھی اور پھر سونو نے میری کافی زندگی آسان کر دی کہ ایکسپلین کرنا بہت آسان ہو گیا تھر کو. تھر کو ہینڈس جس آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں تقریباً جب پہلی ہائپ میڈیا ہائپ ہوئی تھی تھر پارکر کے متعلق اور تھر کے ڈراؤٹ کے متعلق، وہ مارچ 2014 تھی. اس کے بعد سے مسلسل ہینڈس وہاں پہ کام کری. تو اس زمانے میں بھی ہم نے ایک سچویشن انالیسس کی تھی اوور آل ڈیولپمنٹ پرسپیکٹو سے بھی، لیکن آج میں صرف یہ ہیلتھ اور نیوٹریشن کا کمپوننٹ بتاؤں گا. اور پھر ابھی جنوری 2016 میں پھر ایک ہنگامہ ہوا تو ہم نے پھر اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کی کہ کیا سچویشن وہی ہے، چینج ہوئی ہے. یا یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ بہت سارے سرویز اس زمانے میں ہوئے. پاکستان کا نیوٹریشن سروے جو ہے نیشنل نیوٹریشن سروے بڑا مشہور ہے، اس کے علاوہ جو ملٹیپل انڈیکیٹر کلسٹر سروے. تو سائنٹیفک بنیاد پہ ہم دیکھیں گے کیا تھر کی سچویشن وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے پاکستان کے دوسرے رورل ایریا سے، خاص طور پہ بلوچستان سے، رورل سندھ سے اور پھر کے پی سے، یا یہ وہی مور اور لیس سیم ہے. اور یہ جو سونو نے کہا کہ چونکہ ڈائنمکس اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے، یہ سارا ایشو جو ہے وہ گورننس اس کو میچ نہیں کر پا رہی اور سروسز کا جو لیک ہو گیا ہے یہ اس وجہ سے. تو انفینٹ مورٹیلیٹی کی سب سے پہلے بات کریں جو ساتھ نے بات کی. انفینٹ مورٹیلیٹی کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سال کی عمر تک کے بچوں کے شرح اموات. اور جو رپورٹ ہوئی ہے، اب ایشو یہ ہے کہ جب ہم پرائیویٹ ڈیٹا اٹھاتے ہیں تو لوگ اس کو، یعنی ایٹ لیسٹ گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو ہم اسی ڈیٹا کی بات کریں گے جو کہ گورنمنٹ نے پریزنٹ کی، خاص طور مورٹیلیٹی کے متعلق. تو پچھلے سال یعنی 15 میں جو پبلک سیکٹر ہیلتھ فیسلٹی جو تھر پارکر کیے ہیں اور لوکل ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے جو فگر آئی تھی، ٹوٹل نمبر ان کا 481 انڈر انفینٹ مورٹیلیٹی کا تھا، کہ انڈر فائیو چلڈرن 481 ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، جس میں زیادہ تر رپورٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی ہوتی ہے. اسی طرح اس سال جب ہم نے معلوم کیا کہ پچھلے ایک سال میں پورا جو 2015 گزرا ہے اس میں کتنی ڈیٹس رپورٹ کر رہی ہے گورنمنٹ، تو پتہ چلا کہ 326 وہ رپورٹ کر رہی ہے گورنمنٹ ہیلتھ فیسلٹیز، اور جس میں سے نیئرلی 300 کے قریب جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی، جو کہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن لگتی ہے کہ کیونکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل زیادہ فنکشنل ہے، زیادہ نیئر ہے میڈیا کے بھی اور اربن بیسڈ ہے، تو وہاں کی جو کوریج ہے یا وہاں کی انفارمیشن ہے وہ زیادہ اس میں لی جاتی ہے. باقی رورل ہیلتھ فیسلٹیز جیسے بیسک ہیلتھ یونٹ، رورل ہیلتھ سینٹر، تعلقہ ہاسپٹلز ہیں جو بہت ریموٹ ایریاز میں، جیسے تھر کا اتنا بڑا اسپین ہے اس میں پھیلی ہوئی ہے، تو اس کی خبریں یا اس کی وہاں پہ مورٹیلیٹی آتی نہیں ہے یا وہ پہنچ نہیں سکتی. تو ہمارا جو پرائیویٹ انفارمیشنز ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو ایک تو یہ کہ انفینٹ مورٹیلیٹی ریٹ ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ انفینٹ مورٹیلیٹی جو کہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ تھر میں 82/1000 لائیو برتھ ہے، جو کہ پاکستان کا اگر دیکھیں تو تقریباً انفینٹ مورٹیلیٹی ریٹ 67/1000 لائیو برتھ، یعنی 1000 بچے زندہ پیدا ہوں اور مائیں انہیں زندہ جنے تو ان میں سے ایک سال 67 بچے ایسے ہوتے ہیں جو ایک سال کی سالگرہ بنانے سے پہلے ہی انتقال کر جاتے ہیں. تو پھر پاکستان کا بھی اگر ریجن سے کمپیئر کریں تو بہت ہائی ہے اور تھر کا اس سے یقیناً ہائی ہے. اسی طرح انڈر فائیو جو چائلڈ مورٹیلیٹی، اگر 5 سال کے بچے جب پہنچتے ہیں ان میں سے 1000 میں سے 83 بچے یعنی 83 بچے کامن ڈیزیز کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اور کامن ڈیزیز کا کیا مطلب ہے؟
अब हम जो अर्बनाइज लोग हैं, हम जो प्रिविलेज लोग हैं, वो सोच भी नहीं सकते कि बच्चे जो हैं दस्त की मामूली बीमारी में मर जाएं, बच्चे जो है निमोनिया की जिसके लिए सिर्फ सेप्ट्रॉन या मॉक्सिल टेबलेट चाहिए होती है उसमें मर जाएं। हम जो अर्बनाइज हैं सोच ही नहीं सकते कि कोई बच्चे को अस्पताल नहीं मिलेगा और बच्चा घर में मर जाएगा। तो ये होता है, थर में बहुत हो रहा है क्योंकि थर में फैसिलिटी जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। अभी भी बावजूद है कि सोनू कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत डेवलप हुई है, रोड साइड बहुत डेवलप, अभी भी नगर से लेके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो कि वाहिद एक बहुत फंक्शनल हेल्थ फैसिलिटी है 24 आवर कंपैरेटिवली, वहाँ तक इमरजेंसी में किसी औरत को सिजेरियन सेक्शन कराने की या ऑपरेशन कराने की जरूरत पेश आए तो 3 घंटे चाहिए, बशर्ते कि उसके पास पहले शौहर की परमिशन हो, घर वालों की इजाज़त हो, दूसरे उसको वो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो या ट्रांसपोर्ट का खर्चा अवेलेबल हो, जो कि ज़ाहिर है कि 3 घंटे के सफ़र के लिए आप सोच सकते हैं और रात के 12 बजे या 2 बजे या 3 बजे सोच सकते हैं कि वो क्या मसाइल होंगे। इसीलिए मैटरनल मोर्टेलिटी भी पाकिस्तान की हाई है 370 है, सिंध की उससे ज़्यादा हाई है 320 है। तो थरपारकर की आप सोच सकते हो कितनी हाई है, फिगर्स मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती हैं, साइंटिफिक डेटा निकाला नहीं जाता है, छुपा दिया जाता है। तो रूरल सिंध की हालत भी बहुत तश्वीशनाक है, यानी 320 1 लाख औरतों की जजगी हो तो उसमें से 320 औरतें सिंध में मर जाती हैं। वैसे पाकिस्तान का औसत 270 का है, वो भी बुरा है, लेकिन यहाँ पे और वर्स कंडीशन है। और वजह यही है कि उस औरत को बताने के लिए, उस बच्चे को मामूली ORS देने के लिए, निमकुल देने के लिए कोई हेल्थ वर्कर मौजूद नहीं है, उस औरत को बताने के लिए कि आपके बच्चे को निमकुल या ORS कैसे बना के पिलाना है, कोई वर्कर वहाँ काम नहीं है। अब वर्कर्स की सिचुएशन सुने, बहुत कम्युनिटी लेडी हेल्थ वर्कर मौजूद है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, कोई शक नहीं है उसमें, पूरा पाकिस्तान फख्र करता है लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम के ऊपर, 640 भी लेडी हेल्थ वर्कर मौजूद है। लेकिन थरपारकर इतना बड़ा है उसके बावजूद कवरेज जो है 42% है, सिर्फ 42%। अब वो बाकी का क्या होगा, बाकी जो तकरीबन 58% जो है पॉपुलेशन वो विदाउट इवन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर मौजूद है, विदाउट इवन कम्युनिटी लेडी हेल्थ वर्कर मौजूद है। तो क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें ज़्यादा आगे और बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। न्यूट्रिशन, अब इन तमाम डेथ्स का जो इन्फेंट के और चिल्ड्रन के मुताबिक डेथ्स का जो का रीज़न सबसे बड़ा, चाहे थर की बात करें या पाकिस्तान की, वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन सर्वे बताता है, नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, गवर्नमेंट की फिगर्स, अपनी फिगर्स, कि पाकिस्तान का स्टंटिंग का मतलब यह है कि एक बच्चे को 5 साल की उम्र तक अगर ग़िज़ा उसकी ज़रूरत के मुताबिक ना मिले, माँ के दूध से लेके नर्म ग़िज़ा तक और सॉलिड ग़िज़ा तक, तो वो उसकी ग्रोथ जो है रिटार्ड हो जाती है, उसका हाइट जो है उसकी उम्र के लिहाज से कम हो जाता है। और हमारे 44% बच्चे, ये 43% पाकिस्तान का एवरेज है और 44-45% सिंध का एवरेज है, और रूरल सिंध में जाएं थरपारकर जैसे इलाके का 47% बच्चे ग्रोथ स्टंटेड है, अपनी नॉर्मल हाइट नहीं अटेन कर सकते, इसलिए कि उन्हें खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए कि उनको माँ का दूध नहीं मिल रहा है। सिंपल फार्मूला बताने को औरत, अब माँ के दूध की बात आती है तो माँ की सेहत की बात आएगी, माँ की सेहत या तो माँ को बताया नहीं गया कि माँ उसको दूध पिलाते रहे, या माँ की सेहत ही इस काबिल नहीं है, माँ खुद मेल नॉरिश है तो वो मेल नॉरिश बच्चा पैदा कर रही है। इसीलिए न्यू बॉर्न की जो डेथ्स है, जो नए 1 महीने तक के बच्चों की अमवात, इन बच्चों में जो मैंने बताई 82 per 1000 में सबसे ज़्यादा है, 44% बच्चे पाकिस्तान के, और थर के 50% बच्चे 1 महीने की उम्र से पहुँचने से पहले ही मर जाते हैं। और क्यों मर जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी कम्युनिटी लेडी हेल्थ वर्कर नहीं है, कोई बताने वाला कि माँ को गाइड कर सके, कोई ऐसी मिडवाइफ नहीं है कम्युनिटी मिडवाइफ जो माँ को जज्गी में मदद करे, कोई ऐसे हेल्थ केयर फैसिलिटी करीब तरीन नहीं है कि अगर उसको ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो उसका ऑपरेशन हो सके। सिर्फ एक अस्पताल पूरे थर में इस वक्त मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, जहाँ पे 24 आवर एनेस्थेटिस्ट मौजूद है, जो कि इमरजेंसी मेटरनल ऑब्स्टेट्रिक केयर की जरूरत होती है, जहाँ पे सर्जन मौजूद है, जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर मौजूद है और जहाँ पे ब्लड बैंक मौजूद है। ये तीनों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी औरत की इमरजेंसी के लिए जज्गी की सूरत में, और वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मौजूद है। तुम जाहिर है कि मेटरनल मोर्टेलिटी ज़्यादा होनी है। तो अब बच्चों की जो बीमारियों की हम बातें कर रहे थे, इतना हाई मोर्टेलिटी रेट है,
हमारे पाकिस्तान की सिंध की एवरेज जो है औसत इम्यूनाइजेशन कवरेज रूटीन वो 33% है, सारे सर्वेज बताते हैं, गवर्नमेंट के सर्वेज भी यही बताते हैं जो 33% है। पोलियो हम ख़त्म नहीं कर पा रहे क्योंकि दो मुल्क पूरे दुनिया में रह गए और सारी दुनिया परेशान है कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऐसे मुल्क हैं कि पोलियो नहीं ख़त्म कर पा रहे, सारी दुनिया से ख़त्म हो गया, इंडिया जैसा 1 अरब का मुल्क भी ख़त्म कर चुका है 3 साल पहले, हम नहीं ख़त्म कर रहे। तो ये गवर्नेंस के इशू कि पोलियो नहीं ख़त्म होगा तो वो एपिडेमिक होती रहेगी, बच्चों के मेलन्यूट्रिशन रहेगा तो बीमारियां आसानी से उन पर अटैक करेंगी, खसरा उनको आराम से हो जाएगी, ORS नहीं मिलेगा तो डायरिया हो जाएगा और यू मोर्टेलिटी बढ़ता रहेगा। तो ये जो इशूज़ हैं वो एक्सेसिबिलिटी ऑफ सेफ वाटर का इशू है, मेलन्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा इशू, वरना बच्चों को सेफ वाटर मिल रहा है। थरपारकर के पानी की कहानी आपने सुन ली ना, तो पाकिस्तान की भी कहानी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, और रूरल पाकिस्तान या रूरल सिंध और रूरल बलूचिस्तान की भी कहानी यही है कि जो कि थरपारकर की कहानी है, थरपारकर चुके और गवर्नेंस के लिहाज से मसलों के शिकार है तो और ज़्यादा उस पर सीवियरिटी है। सेफ वाटर नहीं मिलेगा तो बच्चों को डायरिया होता रहेगा, माँ को भी डायरिया होता रहेगा और दोनों मेलनरिश रहेंगे और उनकी मोर्टेलिटी बहुत आसान हो जाएगी जब भी उनको कोई भी इमरजेंसी आए। तो ये सारी ज़रूरत है कि इस में हमें हम बात करेंगे मज़ीद कि इसको किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं जब हम रिकमेंडेशन बात करें। शुक्रिया बहुत बहुत तनवीर साहब, वक्त बहुत अच्छा तज़िया किया तनवीर साहब ने आदात की और रोशनी के अंदर। पानी की बात हुई है तो मुझे ये याद आ रहा है कि शायद गुज़िश्ता साल जनवरी का महीना था या कौन सा महीना था, तो जरदारी साहब ने एक RO प्लांट का इफ्तिताह किया था थर में, और कुछ इस तरह के बयान हर तरफ से आए थे कि जैसे बस पानी का तो मसला अब हल हो गया हमेशा के लिए थर में, न सिर्फ पीने के पानी का हो गया बल्कि इरीगेशन का भी हो गया। मैं अपने माहरीन से सोनो आप इस पर बात करेंगे, बिल्कुल मुख्तसरन पूछना चाहूँगी कि ये RO प्लांट की क्या कहानी है और ये कितने कामयाब हैं, क्योंकि शायद 750 RO प्लांट्स लगे हैं ये भी आपको ही पता होगा। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में पानी के हवाले से ये बात होना ज़रूरी है। ये जो 2000 की या 2300 की जो आपको खबरों में या मीडिया में नंबर आ रहा है विलेजेस का, असल में ये रेवेन्यू विलेजेस हैं, हर रेवेन्यू विलेजेस बटा हुआ है 10 से 15 लोकेशंस में और सेटलमेंट्स में। तो इस वक्त जो तादाद है लोकेशंस की या सेटलमेंट्स की थर में वो 4000 से ज़्यादा है। आप देखें कि अगर वहाँ पर 5000 के करीब स्कूल हैं तो अगर चलो एक गांव में ज़्यादा हो गए तो बाकी समझें कि बाकी जगहों पे भी होंगे, तो ये 4000-4500 EPI की डेटा कहती है कि वहाँ पे लोकेशंस मौजूद हैं यानी गांव हैं। और वहाँ पे अगर आप 750 पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ड्रिवन मशीनें भी दे देंगे तो 750-750 महले उनको मुस्तफ़ीद होंगे, पाड़े मुस्तफ़ीद होंगे, एक हेमलेट मुस्तफ़ीद होगा, क्योंकि वहाँ पर डायनामिक्स टोटल एक विलेज के भी अलग हैं। एक विलेज में वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कबीले रहते हैं जिनका पानी का निज़ाम अपना है, वहाँ पे पानी के इर्द गिर्द सारी वहाँ पे आबादी है और पानी वहाँ पे मुश्तर का नहीं है, पानी हर एक कबीले का है। तो ये जो अच्छा। जितने भी हुए हैं ये टेक्नोलॉजी से लिंक है। लेकिन अब कह रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि थरपारकर में 350 साल की हिस्ट्री कहती है कि वहाँ पर जितनी भी टेक्नोलॉजी के साथ पानी जोड़ा गया है वो नहीं चली है, क्योंकि लोगों को उसकी आदत नहीं है चलाने की, उसको ट्रेनिंग नहीं है, उसका खर्चा नहीं है, क्योंकि पानी वहाँ पे उन्होंने खुद लगाया है, खुद खोदा है और कुएं से निकाला है, वो किसी न किसी तरह उनको फ्री मिलता रहा है, उसके ऊपर कीमत नहीं लगी। तो इस वक्त भी जो प्लांट लगे हैं उसमें 350 के करीब लगे हैं अगर, तो उसमें से 70 या 80 एक चल रहे होंगे जो इन्फ्लुएंस होंगे, जिनका असर रसूख होता वो भी ठेकेदार होंगे जिनके ज़रिए से ये मिल गए होंगे, तो वहाँ पर पानी वही है जो लोगों के पास असल पानी मौजूद है। 70% से ज़्यादा पानी थर में जो गांव में है वो खारा होता है, पीने के काबिल नहीं है। बाकी कुछ पैचेज हैं जहाँ पे बरसात जब आती है तो मीठा पानी ग्राउंड का मिल जाता है। तो पानी की शक्ल, पानी की जो वहाँ तब्दीली है वो सिर्फ रिवर से आएगी या दरिया सिंध से अगर पाइपलाइन ले जाएं, जिसका तजर्बा कर चुके हैं अभी 2000 में बड़ा कामयाब है। अगर थर में 12 लाख क्यूसिक अगर रोज़ाना पानी नहर का दे दें वहाँ पे पाइपलाइंस के ज़रिए, जो राजस्थान में दे चुके हैं, जो कच्छ में दे चुके हैं, यही तजुर्बे हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि थर का ये मसला हल। अच्छा, ये आपका एक सजेशन है कि किस तरह से होना चाहिए। एक और ख़बर जो आप लोगों की तरफ मैं अभी आती हूँ, एक सवाल और कर लूँ और फिर मैं इनसे ये भी पूछ लूँ कि ये बिल्कुल
بریفلی بتا دیں کہ اگر کوئی ایک چیز ایسی ہے کہ جو ان کے خیال میں حالات کو بدل دے گی تو ذرا سا اس کے بارے میں بتائیں. لیکن تھرکول بھی ایک ایشو ہے, اور تھرکول میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ساتویں لارجسٹ ریزروس ہیں. کوئی امکان آپ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اس کول کے بعد کچھ دنیا بدلے گی, لوگوں کی دنیا بھی بدلے گی یا نہیں بدلے گی؟ جی بالکل, آپ اس پہ بھی بات کیجئے, اور جو آپ سمجھتے ہیں وے فارورڈ, ہاں جی, کوئی ایک سجیشن. پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارا ایک عجیب طرح سے پاکستان میں مخالفت ہو رہی ہے کہ کول جو ہے لوگوں کے ہاتھ بہت کھڑے ہو رہے ہیں, مائننگ جو ہے وہ نہ کی جائے کیونکہ اس سے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہوگی. میں آپ کو یہ بتا دوں خواتین حضرات کہ پاکستان میں سب سے بہت بڑا ٹیررزم سے زیادہ خطرناک جو آ رہا ہے وہ انرجی کرائسس آ رہا ہے. ہمارا فارسٹ کور اب صرف 2% رہ گیا ہے. لوگوں نے آلریڈی پلاسٹک جلا کے کھانا پکانا شروع کر دیا ہے. ہماری گیس پروڈکشن جو ہے اس کے گراف دیکھیں تو ایسے جا رہی ہے, کنزمپشن ایسے جا رہی ہے, اور جو ہمارے ریزروس تھے وہ سی این جی کی پالیسی میں ختم ہو گئے. تو کول کے بغیر پاکستان سروائیو نہیں کرے گا, اور اگر ہم یہ مخالفت کریں گے تو ہم پھر یہ انکریج کریں گے کہ ہم نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی طرف جائیں, نیوکلیئر پاور پلانٹس کی طرف جائیں, وہ جو زیادہ انوائرمنٹلی خراب ہوں گے بہ نسبت کول کے. تو کول کو ہی اور کول کی وجہ سے بہت فرق پڑے گا, نمبر ون. نمبر ٹو, آپ کو شاید یہ پتہ ہوگا کہ جو تھر کی سوسائٹی ہے اینتھروپولوجیکلی وہ ہے ہی ڈائسپورا, وہ مائگریٹ کرتے رہتے ہیں. کبھی بھوج چلے گئے جب بارڈر نہیں تھا تو اس طرف چلے جاتے تھے, ادھر آ جاتے ہیں, سندھ میں کیٹل کے ساتھ آتے ہیں, ویسے آتے ہیں. اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب نے کل کنفرم کیا کہ 40,000 لوگ جو ہیں وہ حیدرآباد کراچی میں ڈومیسٹک سرونٹس ہیں, کک ہیں یا اس طرح کے کام کرتے ہیں, آڈ جابس کرتے ہیں. تو ایک سمپل ہے, ایک میل نرس کو یا فیمیل نرس کو بنانے میں ایک سال کا وہ ہوتا ہے ٹریننگ پروگرام. گورنمنٹ اگر چاہے تو یہ جتنے ہم لاسٹ 2 سالوں سے جو تبلے بجتے رہے ہیں, اگر یہ بجانے کے بجائے اگر ہم اسی وقت اس کی, کیونکہ نان لائف اسٹاک اور نان ایگریکلچر مائکرو اکانومی جنریٹ کرنی پڑے گی. یہ ایک چیز ہے کہ ہیومن کیپیٹل کو ٹرین کر کے کام پہ لگایا جائے, نمبر ون, جس میں ڈرائیور ہوتے ہیں, پلمبر ہوتے ہیں, بہت سارے ہوتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ہے کہ ایکو ٹورزم کو پروموٹ کر کے اس کو اتنا گورنمنٹ اس کو پیٹرنائز کرے کہ کیونکہ روڈ بن گئے ہیں, اب 4-5 گھنٹے میں کراچی سے آپ نگر پار کر پہنچ سکتے ہیں, اس سے مائکرو اکانومی جنریٹ ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ رین واٹر ہارویسٹنگ پہ باتیں تو بہت ہوئی ہیں, لیکن رین واٹر ہارویسٹنگ کا اگر پراپر کوئی میکنزم بنایا جائے, جو انڈینز نے اکراس دا بارڈر کیا ہے بڑا سکسیزفل, تو یہ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ تنویر صاحب, آپ کچھ آگے مستقبل کے لیے کوئی مشورے دینا چاہیں گے؟ بس دو, ایک پوائنٹ یہ کہوں گا کہ ایک جو میرا پوائنٹ مس ہو گیا تھا فوڈ انسیکیورٹی کے بارے میں, نیشنل نیوٹریشن سروے کی اگین فگر, اور ظاہر اس پہ بھی بہت بڑا کنسرن ہے کہ 72% سندھ کے جو ہاؤس ہولڈ ہیں فوڈ انسیکیور ہیں. ون, ٹو, اس پہ بڑا اچھا کام سندھ گورنمنٹ نے کیا کہ ملٹی سیکٹورل نیوٹریشن اسٹریٹجی بنائی, اور پچھلے 2 سال میں سوال سول سوسائٹی آرگنائزیشن کو اس کا پارٹ اینڈ پارسل کر کے ملٹی سیکٹورل نیوٹریشن اسٹریٹجی کا مطلب یہ کہ نیوٹریشن از ناٹ اونلی اے ہیلتھ ایشو, نیوٹریشن از اے ایگریکلچر ایشو, نیوٹریشن از اے اریگیشن ایشو, نیوٹریشن از ایجوکیشن ایشو, نیوٹریشن از اے ہیلتھ ایشو. تو یہ تمام ملٹائی سیکٹورل انٹروینشن نہیں ہوگا تو نیوٹریشن امپروو نہیں ہوگا, تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. سونو, آپ نے بہت سارے تجربے کیے ہیں, اس میں کوئی آپ کو ایسے لگتے ہیں تجربے کے جو اسکیل اپ ہو سکتے ہیں حکومت کے لیول پہ یا سول سوسائٹی کے لیول پہ, اور ہمارے اتنے سارے ساتھی جو بہت شوق سے یہاں پہ آئے ہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں, کوئی ان کے لیے کوئی آپ مشورہ دے سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو اس وقت انڈومنٹ ہے یا جو کیپیٹل ہے وہ یوتھ کا ہے, اور یوتھ ولنگ ہے ہر کام کرنے کے لیے تھر کا خاص طور پہ, تو ان کے لیے انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی, ان کی انٹرپرائز کیسے ڈیولپ ہوگی ان کے لیے. اب ان کی جو روزگار کا ذریعہ ہے 300 کلومیٹر دور ہے, اور آپ ایک آدھی آبادی, دوسری جو آدھی آبادی ہے 15 لاکھ میں سے, اس کے لیے کوئی کام نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ لکڑیاں لے آئیں, پانی بھر لیں, کھانا پکا لیں. تو وہ ان کے لیے بھی وہاں پہ, اور بڑی انٹرپرینیور ہیں, بڑا ان کے پاس اسکل ہے, جو بھی اسکل وہ جانتی ہیں, تو ان کے لیے بھی کوئی وہاں پہ بندوبست نہیں ہے. تو یہ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تیسری چیز, وہاں پہ جب تک آپ ہیلتھ یہ سسٹمز کو ٹرشری ہاسپٹل
या टर्शरी लेवल का कोई टीचिंग हॉस्पिटल कोई नज़दीक 300, यानी कि अगर बच्चा बीमार हो जाए उसको आईसीयू की ज़रूरत पड़े तो वो 300 किलोमीटर दूर हैदराबाद तक जाना पड़ता या कराची तक जाना पड़ता। जब तक सर्विसेज को अपग्रेड करके शहरों के थर के बीच में नहीं ले आएंगे तब तक ये मसाइल कम। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें हैं लेकिन ज़ाहिर है वक्त बहुत कम है। अब आप लोगों की बारी है, अपना नाम बताइए, मुख्तसरन सवाल कीजिए और जिन साहब से आप सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि साहिबा से मत कीजिएगा, साहिबा माहिर नहीं है, साहब माहिर हैं यहाँ तो साहिबा भी माहिर हैं। मेरा नाम कसर नफसी से काम। मेरा नाम थुलू मेघवाड़ है, मैं भी थर से मेरा ताल्लुक है। मेरा एक दो कमेंट्स भी हैं, एक सवाल भी है। बस बहुत मुख्तसर एक सवाल है कि जैसे हम कह रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट सेक्टर ने जो काम किया उसकी वजह से काफ़ी जो तब्दीली आई है उसमें फ़ायदा भी हुआ है, उसके साथ साथ जो एक नुकसान जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि ख़ासतौर पर गवर्नमेंट का वहाँ पर बिल्कुल एब्जेंट है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, और डेवलपमेंट सेक्टर जो नज़र आता है उससे ये कि लोगों में जो खुददारी है, जो कि लोग खुददार होते थे वो बिल्कुल मर गई है, और लोग जैसे भिखमंगे हैं, जैसे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें आए और कुछ कोई दे, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है रवादारी के हवाले से जो मैडम ने बात की कि थर के अंदर बड़ी रवादारी है, उसके सिलसिले में एक मदरसा वहाँ पर कायम हुआ है जिसके बारे में पता चला है कि वहाँ पर कुछ कोल वगैरह का कुछ मिल रहा था तो उसी जगह पर कुछ लोगों ने आके रातों रात में मदरसा बना दिया जी। तो ये है कि इस तरह के जो मसाइल पैदा होते हैं उसमें गवर्नमेंट या दूसरे जो एजेंसीज हैं वो क्या कर सकती हैं। अब एक दो और सवाल ले लेते हैं फिर यहाँ सामने भी बीबी इधर जी जुल्फिकार। सॉरी पूछना चाह रहा हूँ पैनलिस्ट तीनों में से, मेरा नाम जुल्फिकार हालेपोटो है, कि कोई भी डेवलपमेंट आती है तो अपनी एक आइडियालॉजी के साथ आती है और ज़ाहिर है पॉलिटिकल डायनामिक्स भी हैं। थर की डेवलपमेंट की जो बात हुई तो ज़्यादा आगे नहीं जाते, 5-7 साल में हम देखते हैं जो डेवलपमेंट या सोशल सर्विसेज का स्पेन है उसमें जैसे ही NGOs को रोका गया काम करने के लिए तो जमायत दावा और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस, और हम देख रहे हैं कि इंतहाई सॉफ्ट और बड़ी वर्जन लैंड है हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वहाँ जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का जो ट्रेड है उसको प्रमोट करें। तो ये जो पॉलिटिकल आइडियालॉजी, जो प्रोग्रेसिव आइडियालॉजी ओवरकम हो रही है जमायत दावा, तो इसको कौन कैसे, ये कितनी कंट्रास्ट में है, ये कैसे इसको आप रोकेंगे? राइट, यहाँ से भी मदरसे का सवाल हुआ था, इसको हम अभी बाद में देखते जी। और कोई आप बीबी फातिमा फिर आप जी। हाँ अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फॉर आप कंजरानी डॉक्टर सोनू एंड फॉर लोहार साहब। माई फादर वॉज इन्वॉल्व विथ थर कोल एंड दिस इज़ मोर देन 10 years अगो, ही इज़ पास्ट अवे नाउ एंड दैट वेंट इन टू आर्बिट्रेशन विद द चाइनीज एंड द गवर्नमेंट हैज़ डन नथिंग अबाउट इट, सो ही इज़ डेड नाउ, ऑब्वियसली नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। तो लेकिन कोई और भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, तो इज एनीबडी एल्स हु कुड डू समथिंग? मेरे ख्याल है कि काम हो रहा है लेकिन चाइनीज का जो एक पर्टिकुलर था ये लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन ये कि काम हो रहा है। डॉक्टर साहब को जैसा आप जी एक दो सवाल और ले लेते हैं। फातिमा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा अलमासू, मेरा सवाल मसूद साहब से है। आपकी गुफ्तगू में बार बार सुना कि ड्राउट का जो मसला है वो रेगुलर रहा है काफ़ी सालों तक, और पानी का मसला भी बहुत अच्छे से सुनने में समझने में आया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि गिवन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं थर की, उसको लेके क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे क्या हो रहा है वहाँ पे, या किसी के किस किस्म के काम में क्या वहाँ की यूथ इंटरेस्टेड है, या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब बस ये हम सवालों का राउंड पूरा कर लेते हैं इसके जवाब, और उसके बाद फिर एक राउंड और लेंगे। इसमें एक तो आपका कमेंट था खुददारी के बारे में कि जो हम सब एग्री करते हैं कि वो खुददारी इस तरह से ख़त्म हो रही है मदरसों के, और मज़हबी उस पे बात करनी है। मैं समझती हूँ कि हमारे इन माहिरीन के अलावा यहाँ पे मुझे आई रहमान साहब बैठे हुए नज़र आ रहे हैं अगर इस इशू के ऊपर, क्योंकि HRCP ने भी बहुत कुछ वहाँ पर जाके देखा है। अगर मदरसों के इशू के ऊपर अगर आप बात कर लें, और थरकोल के ऊपर हमारे साथी, और क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर के ऊपर मसूद बात करेंगे, और सोनो आप उस पर बात कर लीजिए।
थरकोल, ये लोग बात कर लेते हैं फिर हम आपकी तरफ आते हैं रहमान साहब इस पे मदरसे पे, पहले ये थरकोल और आप बात करें। अच्छा चलिए आप शुरू कीजिए। चलिए जी, देखिए हमारा ये ख्याल है कि जो डेमोग्राफिक तब्दीली की बात डॉक्टर सोनू ने की थी जी, वो इंतहाई सीरियस मसला है जी, कि थर की आबादी को खुद तब्दील नहीं हो रही, तब्दील किया जा रहा है जी। और वहाँ ऐसे अनासर को आज़ादी दी जा रही है जो वहाँ की तमाम रवायात को ख़त्म कर देंगे और वहाँ पर तशद्दुद का राज हो जाएगा। आप कहते हैं कि लोग वहाँ जाएँ, वहाँ जाने कौन देता है? हाँ। जगह जगह तो आप पूछताछ होती है, हर आदमी जो वहाँ नगर पार्क जाना चाहता है उसको उससे इतने सवाल किए जाते हैं, वहाँ ठहरने की जगह नहीं बनने देते आप, वहाँ फोटोग्राफी की इजाज़त नहीं है। तो आपने उसको इलाके को इतना दूर कर दिया है कि मदरसों का बहुत जोर आजकल चल रहा है और वो वहाँ पर बाकायदा तशद्दुद की तबलीग हो रही है और वहाँ पर वो बातें अब शुरू हो गई हैं जो धर्म में पहले नहीं थी जी। मतलब बच्चियों का अगवा शुरू हो गया वहाँ पर, पोस्ट कन्वर्जन वहाँ पर शुरू हो गई। तो ये जो तब्दीलियाँ हैं ये थर की स्पिरिट के बिल्कुल मुनाफी हैं और मैं समझता हूँ कि हुकूमत इसके ज़िम्मेदार है, ये उसकी उसकी मर्जी मंशा और उसकी सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकती। मैंने एक बात कही थी कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है जो बात आप कह रहे हैं इन चीज़ों की अवेयरनेस फैलाना और इन चीज़ों के ऊपर एक कोई किसी किस्म का दबाव डालना हुकूमत के ऊपर कि वो इन जगहों को आज़ाद कर दे, वाकई वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल हो गया। हुकूमतें नहीं रही जो सुना करती थी जी। चलिए अब जी डॉक्टर सोनू और फिर मसूद। मैं मेरे ख्याल में दो तीन वजाहतें जो मेरे ख्याल में रिस्पांस कर दूं जो जुल्फकार आले पोटो ने किया और फुलुमे गौड़ ने किया या बाकी दोस्तों ने जो सवाल किए। देखें थर में जो सबसे अच्छी बात हुई है ये है कि वहाँ पे सिविल सोसाइटी, लोग, कम्युनिटी, मीडिया बड़ी वाइब्रेंट हो गई है और वो इस तरह तक इस हद तक वाइब्रेंट है कि वो किसी को न चाहे तो उसको वहाँ पे ज़ीरो कर देती है पॉलिटिकली भी, और ऐसा हुआ है। वहाँ पे जो हुक्मरान रहे हैं 40 साल वो वहाँ पे इलेक्शन हारे भी हैं और नए अगर उन्होंने हुक्मरानी करने की कोशिश की तो वो भी हार सकते हैं। तो ये वाइब्रेंट सोसाइटी वहाँ पे पैदा हो चुकी है। आप जितनी भी खबरें थरपारकर के बारे में पढ़ सकते हैं वहाँ पे किसी भी और डिस्ट्रिक्ट के बारे में इतनी नहीं आती। तो ये मेरे ख्याल में वाइब्रेंट एक पॉजिटिव थिंग है जो हुई है, किसी तरीके से भी हो गई हो गई है। जहाँ तक ये मदारस का जो ताल्लुक है ये मैं एग्री करता हूँ हमारे मोहतरम आये रहमान साहब से कि ये खुद से नहीं आ रहे हैं, ये इनको कहीं से लाया जा रहा है। अगर जैश मोहम्मद को नगर पार्कर में 100 एकड़ ज़मीन जहाँ पे ज़मीन पे बिक्री पे पाबंदी है, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड पे पाबंदी, अगर वहाँ पे कोई दिला सकता है उनको ज़मीन मिल जाती है अपने मुस्तकबिल के इंस्टीट्यूशन के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि नगर पार्कर में अगर ये हो सकता है तो बाकी थर में क्या होगा? तो ये डेमोग्राफिक चेंजेस सिर्फ खुद से नहीं हो रही, ये 65 से शुरू है सिलसिला जी। हमने महसूस नहीं किया, ये ड्राउट की तरह स्लो क्रिपलिंग था जी, बिल्कुल। और तीसरी चीज जो मैं करना चाहता हूँ एग्रीकल्चर के हवाले से, बाड़मेर एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है राजस्थान में, वहाँ पे क्यूमिन की फसल होती है और इंडिया की और एशिया की सबसे बड़ी जीरे की मंडी है। वहाँ पे जीरा इतना ज्यादा होता है सफेद कि पूरे साउथ एशिया की जिस तरह कुनरी है यहाँ पे मिर्ची की मंडी वहाँ पे बड़ी है, वो सारा थर में होता है। हुकूमत ने उस पर इन्वेस्टमेंट की, हमारी हुकूमत की तवज्जह, गवर्नेंस, सोच उस तरफ जाती नहीं। थरपारकर में 34 लाख एकड़ पे आबादी होती है जिसमें से लोगों की सर्वे ज़मीन है, 34 लाख एकड़ के लिए कभी सरकार सोचा ही नहीं कि भाई खारा पानी में अगर मिडल ईस्ट सारा सहरा ग्रीन हो सकता है तो थरपारकर का तो वो पानी नहीं है, थरपारकर के पानी पे तो अभी भी बिल्कुल ही बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू जी मसूद। पाकिस्तान की जो मीडियन एज है वो है 22 साल और ये बहुत इस वक्त हम यंगेस्ट नेशन हैं दुनिया की, जो सवाए एक दो अफ्रीकन मुल्क के पाकिस्तान इज़ द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। उस ह्यूमन कैपिटल को हम कैपिटलाइज जो कर रहे हैं, आई रहमान साहब ने बताया, वो हम इस तरह कर रहे हैं कि हम मदरसे बना रहे हैं कि वही जो 22 साल के बच्चे हैं वो बाकी कुछ करने के मदरसों में चल जाएँ। आपको ये पता होगा कि सिर्फ सिलिकॉन वैली USA में 13,000 पाकिस्तानीज काम करते हैं, इतनी इंटरप्राइजिंग नेशन है हमारी। और थरीज के बारे में जो आपने बताया कि इमीडिएट बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इतनी उन लोगों में हमने खुद मेरे घर में खुद जो है एक थरी सर्वेंट है, मैं समझता हूँ कि उन लोगों में इतना ज़्यादा पिक करने की सलाहियत है
वैसे भी कहते हैं कि डेजर्ट के लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डायनामिक होते हैं, तो वो उस पूरी अगर जो ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल है, जो यूथ है, अगर हम उसको करें तो बहुत सारा मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा, और वही डिटरेंस क्रिएट करेंगे अगेंस्ट अदर कल्चरल यू नो इम्पैक्ट्स। डॉक्टर साहब, आप कुछ इन सवालों के जवाब में कहेंगे? इस थरकोल का मैं, मुझे इन्फॉर्मेशन है कि दाऊद ग्रुप जो एंग्रो ग्रुप है वहाँ पे, उन्होंने थर पावर प्लांट पे चाइनीज बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसका मतलब ये कि कुछ होने वाला है उस पर। जी, एयरपोर्ट भी बन गया है। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है सवालों का वक्त हमें बार बार वो दिखाया जा रहा है। एक सवाल मैं ले लेती हूँ, एक या दो, बस दो। जी हाँ, बताइए। बात हुई थी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की, थरकोल के हवाले से, वो हुई या नहीं हुई, कहाँ तक पहुँची वो, और दूसरा सोनू साहब से मैं ये पूछूंगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जी हाँ, और ये कि थर एक साउदर्न पंजाब में है, नॉर्दर्न सिंध में है, और हमारे इस थर और मिट्टी थर पार्कर से क्यों ही बुरी खबरें आती हैं कि इतने बच्चे मर गए, इतने लोग चले गए। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि थर को सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने अभी भी सिक्योरिटी रिस्क समझा हुआ है, जैसे बातें सामने आ रही हैं, कि अभी तक इसे डेवलपमेंट को होने नहीं देना, या फर्ज करें कि अभी हमने डेवलपमेंट के नाम पे छावनी बनाएंगे मिट्टी में, तो ये एक चीज़ है। बाकी एक अगर हम लिंक करें रेल के साथ, वो पुराने जमाने में 9 करोड़ तक से मीटर गेज पटड़ी बनी थी, बस आप उसको आगे नहीं ले गए, उसको आगे ले जाना। जवाब भी दे सकेंगे फिर आप बोलते हैं। एक साहब से और वादा किया है कि सवाल उनका लेंगे, यहाँ आप गालिबन जी। मेरा सवाल ले लें मैडम प्लीज़, मैं यहाँ से बोल रही हूँ। मेरा इंतहाई मुख्तसर सवाल ये है कि थरपारकर के इतने देरीना मसाइल हैं, तो खुद थरपारकर के लोगों ने अपनी मदद आपके उसूल के तहत क्या किया है? अच्छा, आपका आपका भी अगर इतना ही मुख्तसर है तो कह दीजिए। जो पहले मुख्तसर सवाल है जी, अगर आप खड़े हुए थे, सलाम साहिबा हैं, ये शबीना है, मेरा ख्याल इनसे लेने। अच्छा, आफिया कहाँ है मुझे? अच्छा, वो है आफिया, आपका भी हाथ खड़ा है। मैडम, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ जो बात हुई है कि माइग्रेट लोग माइग्रेशन करते हैं, हाँ। तो क्वेश्चन ये है कि वो कौन लोग हैं जो माइग्रेशन करते हैं? अच्छा, मैं आगे चल, ठीक, लेट मी जी जी, टू मिनट्स। और जो बच्चे मरे हैं, ये किसके बच्चे मरे हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि जो वहाँ जो भी कुछ डेवलपमेंट हुई है, आर ओ प्लांट लगे हैं, स्कूल्स मिले हैं या हॉस्पिटल्स मिले हैं, वो किन लोगों को मिले हैं? अच्छा। सो बात कहने का मकसद ये है कि ये सारा मसला हैव्स एंड हैव नॉट्स का, क्लास स्ट्रक्चर का मसला है थर में। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे सोनू साहब ने बात कही है, वहाँ फिड्यूल नहीं है, लेकिन वहाँ जो भी फिड्यूल के भी बाप बैठे हुए हैं। अच्छा, बस अब आफिया, आपका सवाल जी, आपका सुन लिया हम जी, मेरे आप समझ गए क्या कहना। शुक्रिया। मेरे दो सवाल आते हैं, एक डॉक्टर सोनू से और एक मसूद से। सोनू साहब, आपने ये कहा था कि हमारे यहाँ बाहर के लोग इलेक्ट होते रहे हैं और थरीज उस में नहीं आए पावर में, तो क्या ये वजह है कि वहाँ पे गवर्नेंस के ऊपर इतना कम लोगों की नज़र है? एक, क्या ये वजह हो सकती है? दूसरा, मसूद से मैंने ये पूछना था कि थर कोल पाकिस्तान एनर्जी नीड्स गैप एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है ग्लोबल क्लाइमेट फंड से फंडिंग लेके कि थर कोल को हम ज़मीन में रखें, और उसको ज़मीन में रखने के एवज़ हमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी दिया जाए और वो फंड भी मिले कि हम अपनी एनर्जी गैप को मीट कर सकें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब दूंगा। पाकिस्तान की एमिशन जो है वो नेगलिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो एमिशन है ग्लोबली, और वी आर सिक्स लार्जेस्ट नेशन डिस्पाइट दिस फैक्ट। हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी बहुत कम है, हमारी टेक्सटाइल यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है। कोल के निकालने से मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, कोई बहुत बड़ी एमिशन हमारी कंट्रीब्यूट नहीं होगी, और ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि हम इस इतने बड़े रिसोर्स को जो है वो ज़ाया करने दें। सोनो, बाकी सवालों का इन मैं ये बात कह दूं कि जो एक पहले सवाल कुछ पूछा गया, माइग्रेट कौन कर रहा है, बच्चे माइग्रेट तो कौन कर रहा है, जाहिर है माइग्रेट वो कर रहा है जिसका कोई वहाँ बेस नहीं है, जिसके पास एसेट्स नहीं है, वो लोअर ट्रॉडन है, शेड्यूल्ड कास्ट है, वो गरीब लोग हैं जो हारी मजदूरी करते हैं, वो माइग्रेट कर रहे हैं, जाहिर है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि थर के लोग किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि थर के लोगों ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया किसी भी डिस्ट्रिक्ट से। वो अस्पताल तक पहुँचे हैं, अस्पताल पे प्रेशर डाला है, खबर बनाई है, गवर्नेंस अगर उनको ठीक नहीं हो रही, सरकार अगर उनकी डिमांड्स को पूरी नहीं कर रही, उनकी तकलीफ को दूर नहीं कर रही, लेकिन ये थर के लोग अगर अस्पताल तक नहीं पहुँचते,
अखबार तक नहीं पहुंचते, मीडिया तक खबर नहीं होती जी। तो बहुत शुक्रिया, आई एम सो सॉरी, बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं, वक्त अब बिल्कुल नहीं है, अब आप इन लोगों से बाहर बात कर लीजिएगा। बार बार सवाल पूछना चाहूंगा, बहुत पेचीदा मामलात है, इतनी आसानी से हल नहीं होते। शुक्रिया।